हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आंवला और हल्दी का अचार। आंवला और हल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी हेल्थ के लिए। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आयरन के अब्सॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आंवले को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आंवला के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वॉच कर सकते हैं। इसे हम एक कंटेनर में भर के पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आंवला। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला ले लिया है। इसको मैंने आधा कप पानी डालकर 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे बॉईल कर लिया है और इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे बॉईल करेंगे तो इस तरीके से इसके जो फाके हैं ये अलग होने लग जाते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और अब इसको हम रख लेते हैं साइड में। अचार को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्ची धनिया ले लिया है और इसको हम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम यहाँ पर हरी मिर्ची ली है और इसको दो टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही हम लेंगे हल्दी और हल्दी को भी मैंने छील कर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। हल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, खासकर ये कच्ची हल्दी। इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, जो पाउडर हल्दी होती है उसकी तासीर गर्म होती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो इस हल्दी को भी हम इस तरह से ऊपर से छील के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमें चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और इन्हें भी हम साइड में रख लेते हैं। और अब चलते हैं मसाले देख लेते हैं इस अचार में जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं और इनमें सबसे पहले हैं सौंफ। यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच सौंफ लिया है। सौंफ से इस अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पर हम मेथी लेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। 1 चम्मच ले लेंगे कलौंजी। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने राई ली है और उसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं 2 चम्मच कोरिएंडर यानी धनिया। आधी छोटी चम्मच हल्दी ले लेंगे। हल्दी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज़ हम कच्ची हल्दी ले रहे हैं। और उसके बाद ले लेंगे 1/3 चम्मच यहाँ पर मैंने हींग लिया है। आधी चम्मच काली मिर्च लेंगे, जो कि करक्यूमिन की ऑब्जर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी में करक्यूमिन नामिंग कंपोनेंट होता है और उसके ऑब्जर्प्शन के लिए ब्लैक पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं सबसे पहले मेथी। मेथी को 30 सेकंड के लिए भूनेंगे और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे सौंफ। और सौंफ को भी लगातार चलाते हुए 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। इन मसालों को हमें इतना भूनना है कि इसमें से जो नमी है वो सारी चले जाए। और उसके बाद ऐड कर रहे हैं ज़ीरा और ज़ीरे को भी हम इसी तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से एक अरोमा, अच्छा सा अरोमा आए और मसाले काफ़ी दिनों तक चले। और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्च और लगातार चलाते हुए इसे भी हम भूनेंगे और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे धनिया। धनिए को भी लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है और उसके बाद राई ऐड कर लेंगे और राई को भी हम भून लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और जब हम गैस ऑफ कर देंगे तो इसमें लास्ट में डाल देंगे मंगरेल यानी कलौंजी और गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों को प्लेट में निकाल लिया है और इन मसालों को हल्का सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। तो जब तक ये मसाले ठंडे होते हैं हम कर लेते हैं गैस को ऑन। और यहाँ पर मैं एक आयन की कढ़ाई रख रही हूँ और इसमें हम गर्म कर लेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें गर्म करना है। जब तक ये तेल गर्म होते हैं तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। मसाले यहाँ पर हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं और इनको हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसालों को हमने पीस लिया है और इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। और अब ये तेल भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो गैस को हम ऑफ कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है इसके लिए हम स्टील का बाउल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे हल्दी। तो फ्रेंड्स हल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो हल्दी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। तो हल्दी को भी हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद ऐड कर लेंगे मिर्ची। मिर्ची डालने से ये अचार बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। और उसके बाद हमने जो मसाले पीस के रखे थे मसालों को ऐड कर लेंगे और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे जैसे हींग। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा तेज नमक रखेंगे तो ही अच्छा रहता है। और उसके बाद ऐड कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं तेल को। एकदम गरम तेल है और तेल सारा का सारा ऐड कर लेंगे। तेल थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए और जो हमारे ये आंवला और हल्दी है वो तेल में डूबे हुए रहना चाहिए, तब ये जो अचार है काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मसाले, आंवला और हल्दी सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए और तेल अभी गर्म है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अचार बिल्कुल भी तैयार है, रेडी है। और अब हम इसे ढककर एक से दो घंटे के लिए बाहर रख देंगे ताकि तेल ठंडा हो जाए। आप इसे स्टोर करके पूरे साल तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो अचार है बिल्कुल भी मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे। तो इस तरीके का मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इसको सारा अचार इसमें डाल देंगे। आपको मेरी ये अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।